दोस्तों आप सब जानते हैं कि कल सीजी टेट का एग्जाम हुआ, तो बहुत लोग पूछते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं उन सभी अभ्यर्थी से ये बात कह देना चाहता हूँ कि सीजी टेट में आपको कट ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। सीजी टेट के एग्जाम में केवल और केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ती हैं। इसमें यदि आप अच्छे नंबर भी लाओगे तो भी बात एक ही है, और क्वालिफाई हो जाओगे फिर भी बात एक ही है। ऐसा नहीं कि इसमें यदि ज़्यादा नंबर लाओगे तो आपको ज़्यादा वरीयता मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग ये कभी मत पूछना कि इसमें कितना रैंक वालों का पास होंगे, कितने रैंक लाने से, ये रैंक वैंक इसमें कोई भी मैटर नहीं करता। इसमें कट ऑफ वगैरह भी कोई भी मैटर नहीं करता, सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ही मैटर करती हैं। तो बात करते हैं दोस्तों जो ST कैटेगरी से हैं, जो SC से हैं, और जो OBC से हैं, और जो PWC हैं, PWD से हैं। तो इनके लिए दोस्तों सीजी टेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं दोस्तों 75 नंबर। 150 नंबर का सीजी टेट का एग्जाम हुआ था, इनमें से आपको 75 नंबर लाने हैं। यदि आप 150 का 75 नंबर ला लेते हैं, यानी कि परसेंट में बात किया जाए तो 50% लाना पड़ेगा। 150 नंबर का 50% होगा 75 नंबर। तो 75 नंबर ला लोगे तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगी। 75 नंबर सिर्फ ST वालों के लिए है, SC, OBC और PWD के लिए। और बात करते हैं आप जनरल वालों के लिए, तो जनरल वाले होते हैं दोस्तों उनको 150 नंबर में से 90 नंबर, यानी कि जनरल वालों को 60% लाना होता है। इतना ला लेते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। इसमें दोस्तों रैंक वैंक कोई भी मैटर नहीं करता, रैंक वैंक वगैरह की बात इसमें नहीं होती है, और ना तो दोस्तों इसमें कट ऑफ वगैरह की बात होती है। तो ये सब दोस्तों अपने दिमाग से हटा दो। आप बार बार कट ऑफ कितना जाएगा ये सब पूछते रहते हो, बहुत लोग पूछते हैं, तो सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं यही मैटर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकती हैं।